था लेकिन ब्लॉग बनाते बनाते क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं तन्मय सा और केडी सा के लव स्टोरी आप लोगों का स्वागत है। और अभी मैं थोड़ा टेंशन में पड़ गया क्योंकि मैंने जिन लोगों को चाय दिया रामकृष्ण मिशन से लोग आए थे और राजश्री रोज पर ठहरे थे तो दूध वाली चाय पीने वाले थे, तो मेरे पास तो था नहीं, तो मैंने इसलिए किसी दूसरे के पास से ले आके फिर उन लोगों को दिया। और अभी चाय पीते भी तो पैसे के बारे में मुझे पीछा, लेकिन पूछने का टाइम है क्या हो गया था, थोड़ा बहुत उधर चला गया था चाय के टाइम, उधर चाय देने चला गया था जिसके कारण अभी मिल नहीं रहा है, ढूंढ के आया। बाकी देते कब आएंगे, और बने रहो यार, टेंशन में पड़ गया था लेकिन ब्लॉग बनाते बनाते क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत लड़ाई हो गई, लड़ाई झगड़ा चल रहा है। लेकिन हाँ जात्री वगैरह जहाँ से बाहर से लोग आते हैं, बाहर के लोगों के लिए हम लोग खा पाते हैं चलते हैं, लेकिन यहाँ के लोग खाने पीने के लिए कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे तो ऐसा थोड़ी कोई मानेंगे। गाइस मैं मतलब पैसा मुझे मिल गया क्योंकि वो लोग लॉज पे थे, तो मैंने थोड़ा लेट करके मैंने देखा क्या थोड़ी बहुत क्षमता में फिर चाय भी सेल कर लेता हूँ, फिर ये चला जाऊँगा लॉज पे। फिर लॉज पे जाके पैसा लेके आया और उन लोगों ने भी मुझे ढूंढा क्या हाँ पैसा लेना है, तो उन लोगों को टेंशन ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि वो लोग सोमवार को जाने वाले हैं, और जब सोमवार को जाएंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है। और मैंने उन लोगों से वादा भी कर दिया कि आप लोगों को चाय दूध वाली जब चाय पियोगे मैं ख़त्म हो अगर हो जाए मेरा तो फिर आप लोगों को डेफिनेटली मैं पिलाऊंगा, कहाँ से भी लेके ले आके कैसे भी करके, तो वही बातें हैं, वादा जब कर दिया मैं तो पिलाऊंगा चार चाय। और बाकी कुछ नहीं, बाकी घर जा रहा हूँ, अभी खाना पीना खाऊँगा, खाना पीना खा के फिर से शमशान को आना है, मैं शमशान आऊँगा इसीलिए ऑफर भी ये देना है, मतलब सांस भी मेरा फूल रहा है, पैदल चल रहा हूँ इसीलिए, क्योंकि उन लोगों को भी चाय देना है एक हवन में शुगर फ्री, ऑफर जाके दूंगा, बाकी देखते हैं क्या हो रहा है, बाकी बने रहो घर चलते हैं। और शमशान में थोड़ी बहुत लड़ाई हो चुका है क्योंकि किसी किसी की बातों जो होते हैं कड़वे होते हैं और कोई बर्दाश्त भी नहीं कर पाते हैं, तो जिसके कारण थोड़ी बहुत कलेज हो गए हो गया था। और वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कभी भी आओ, हम लोग हमेशा आप लोगों के साथ हैं और आप सब भी हमारे साथी हो, क्योंकि आप लोगों के बिना तारापीठ का कोई भी मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वार हो, कोई भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप लोग वहाँ पर नहीं जाओगे तो हम लोग बिजनेस कैसे कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है आप लोग आओगे तभी हम कुछ कर पाएंगे, तो ज़रूर आइए। और लड़ाई तो हर जगह पर होते रहते हैं, तो वैसे ही थोड़ी बहुत छोटी मोटी था, वैसे कोई उसमें मोटिव मत डालना क्या लड़ाई हो रहा है किस लिए क्या हो रहा है। और ये वीडियो मैं सोच रहा था कि बनाऊँगा नहीं बनाऊँगा, तो एक लोगों ने बताया कि हाँ बना लो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने बनाया है इसीलिए वीडियो, नहीं तो मैं बनाता नहीं। बाकी आप लोग तो ऐसी तरह से सपोर्ट करते रहे बस।